स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे प्लगइन की इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, जिसका यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैथमेटिकल इक्वेशंस को इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने पहले भी एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था जिसके थ्रू हम मैथमेटिकल इक्वेशंस को इंसर्ट कर सकते हैं, जिसका नाम था इक्वेशियो। आज मैं एक दूसरे प्लगइन का डेमोंस्ट्रेशन जो है वो आपको दिखाने वाला हूं कि ये एप्लीकेशन किस तरह से वर्क करती है गूगल डॉक्स पे, गूगल ड्राइव पे, जो गूगल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर, जिससे आप गूगल डॉक्स में मैथमेटिकल इक्वेशंस को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं इस एप्लीकेशन का यूज आपको करके बताऊंगा, जिससे आप अपने गूगल डॉक्स के अंदर मैथमेटिकल इक्वेशंस को किस तरह से इंसर्ट कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको मेरे चैनल का एक आइकन दिखाई देगा बॉटम राइट में, जो मेरे चैनल का लोगो है वो आपको दिखाई देगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप मेरे चैनल को इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, और अगर ये वीडियो आपको काम का लगता है तो इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैंने यहाँ पे मेरे गूगल ड्राइव को ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं न्यू ऑप्शन के ऊपर जाके एक नया गूगल डॉक्स क्रिएट करता हूँ। ठीक है, न्यू ऑप्शन में गूगल डॉक्स के अंदर ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एडवांस के अंदर आप देख सकते हैं ये जो प्लगइन है मैथ टाइप, ये मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ड्राइव ओपन करने के बाद आपको इस प्लगइन की ये जो लिंक है ये मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आपको वहां से उस लिंक को कॉपी करके यहाँ पे ब्राउजर के एक नए टैब पे लाके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है, तो इस तरह से ये जो पेज है ओपन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे गूगल अकाउंट पे ये जो प्लगइन है ये इंस्टॉल्ड है। ठीक है, जब आप ये पेज ओपन करेंगे तब आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब जब ये इंस्टॉल हो जाए तो इंस्टॉल होने के बाद आपको अपने गूगल ड्राइव पे वापस आना है और यहाँ पे न्यू के बटन पे क्लिक करके गूगल डॉक पे जाके एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इंसर्ट मैथ इक्वेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, मैथ इक्वेशन और केमिकल फॉर्मूला या केमिस्ट्री फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको मैथ इक्वेशन के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से ये वर्किंग शो होगा, फिर ये आपको इस तरह से एक मैसेज देगा कि क्लिक हियर टू साइन इन यूजिंग गूगल। आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और अपने उस गूगल अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए जिसके ऊपर आपको ये प्लगइन जो है वो रन करनी है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सक्सेसफुल मैसेज आ गया है। अब आप वापस एड ऑन में जाइए, मैथ टाइप पे जाइए और इंसर्ट मैथ इक्वेशन करिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बायो सब्सक्रिप्शन और ट्राई इट फॉर फ्री 30 डेज का यहाँ पे ऑप्शन है, आप स्टार्ट फ्री ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर पेड है बट 30 दिन का ट्रायल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही आप ट्रायल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए इस तरह से ये ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए। आपको जिस भी तरह की इक्वेशन इंसर्ट करनी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये करना है, मैंने 2 और नीचे 3 लिख दिया और इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है ये इंसर्ट हो गई है। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरह से जो है आप मैथ टाइप प्लगइन का यूज करके इक्वेशन को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये फ्री नहीं है और आप 30 दिन तक इसके ट्रायल को यूज कर सकते हैं, 30 दिन के बाद जो है आपको यूज नहीं कर पाएंगे। इसके पहले जो मैंने आपको इक्वेशियो प्लगइन बताया था वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसलिए मैंने पहले जो वीडियो बनाया था वो इक्वेशियो प्लगइन के ऊपर बनाया था। कई सारे ऐसे प्लगइन्स रहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं और कई सारे प्लगइन्स ऐसे रहते हैं जो पेड रहते हैं, तो ये जो प्लगइन है ये पेड प्लगइन में से है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक केमिकल इक्वेशन भी इंसर्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए सारे केमिकल इक्वेशंस आ गए हैं, ये देखिए इस तरह से ये आपको सारे केमिकल इक्वेशंस के सिंबल यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कई सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इस प्लगइन के अंदर। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये प्लगइन पसंद आया हो, अगर आप इस प्लगइन को चलाने में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप इस प्लगइन को यूज कर सकते हैं। 30 डेज का ट्रायल आपको इससे मिल जाएगा, आप 30 दिन तक इस प्लगइन को फ्रीली यूज कर सकते हैं। छोटा सा प्लगइन है, आपके काम को आसान कर देगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे चैनल पे। आप लोगों से फिर एक बार मुलाकात होगी एक नए वीडियो एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।